ब्रह्मपुत्र नदी। पिछली क्लास में हमने सिंधु नदी पे सिंधु नदी पढ़ी थी, इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था दोस्तों, और उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका उद्गम कहाँ से होता है। उसका ओरिजिन होता है दोस्तों मानसरोवर लेक से, ठीक है। मानसरोवर से, जो कि कहां पर है, एक ग्लेशियर में है, और उस ग्लेशियर का नाम क्या है, चेम्युंगडुंग ग्लेशियर। कहां पर, चाइना में। ब्रह्मपुत्र नदी भी कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है दोस्तों, क्लियर। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सागपो रिवर, सागपो नदी। ओके, अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश असम में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है दोस्तों दिहांग रिवर। क्लियर। ओके, इंडिया में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है दोस्तों जमुना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा के टाइम पर भी हमने इस बात का जिक्र किया था दोस्तों, क्लियर। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लेंथ है, कुल लंबाई है दोस्तों 2900 किलोमीटर, और इंडिया के अंदर इसकी कुल लेंथ है, भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में इसकी कुल लंबाई है 917 किलोमीटर। किसकी हम बात कर रहे हैं, हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, क्लियर यहां तक। ओके ओके ओके, कोई नहीं है। यह है हमारा नॉर्थ ईस्ट में इंडिया, कुछ इस तरीके से। हाँ, ओके और यहां पे है हमारा मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील, और यहां से निकलती है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी। और अरुणाचल प्रदेश में यहां पे एक पास है दोस्तों, यांग या पास, यांग या दर्रा, और यांग या पास से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और इंडिया के बाद बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है दोस्तों। किसे मिलती है, गंगा रिवर से, गंगा नदी से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में कौन सी जगह पे, चांदपुर नामक स्थान पे। ओके, ब्रह्मपुत्र को
बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना, गंगा को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा, और यहां पर ये दोनों मिल जाती है और मिलने के बाद इसको बोला जाता है मेघना। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, क्लियर? ओके, तो इंडिया के अंदर इसकी टोटल लेंथ है 917 किलोमीटर। इंडिया में एंटर कहां से करती है? इंडिया में एंटर करती है दोस्तों यांगियाप पास, यांगियाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? या फिर आप लोग बोल सकते हो कि यहां पे एक पीक है, एक चोटी है जिसका नाम, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, हमने इसके बारे में जिक्र किया था हिमालय के अंदर, नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा के पास यांग याप दर्रा से एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में, ठीक है? ओके, ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है? असम इसी होता है ना दोस्तों आइलैंड। इसी प्रकार एक होता है रिवर आइलैंड, नदी द्वीप, और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप बनाती है दोस्तों असम के अंदर। असम के अंदर एक द्वीप बनाती है और उस द्वीप का नाम है दोस्तों माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड। कौन सा द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप। ठीक है, कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहां पर है? असम में है। माजुली द्वीप कहां पर है? माजुली द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है? ओके, ये जो द्वीप है ना, कौन सा द्वीप? रिवर आइलैंड, नदी द्वीप जो है, ये इंडिया का भी नहीं, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। अगर आप लोगों से बात की, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि कहां पर है? असम में है। कौन सी रिवर, कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। कहां पर है? असम में है दोस्तों, क्लियर? ओके, सबसे बड़ा है दोस्तों। तो जो ये माजुली द्वीप है, इसको 2016 में, माजुली द्वीप को 2016 में जिला बना दिया गया दोस्तों, 2016 में डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, जिला बना दिया गया, क्लियर? 2016 में माजुली द्वीप को क्या बना दिया गया? 2016 में माजुली द्वीप को जिला बना दिया गया दोस्तों। ओके, पहले ये जिला नहीं था, ठीक है? 2016 से पहले कौन से जिले में आता था? तो आप लोग बताएंगे 2016 से पहले ये जोरहट जिले में आता था। 2016 से पहले जोरहट जिला, 2016 से पहले जोरहट जिले में आता था, ठीक है? 2016 में इसको एक जिला ही बना दिया गया, माजुली द्वीप जो है उसको जिला बना दिया गया असम में, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो अब ये जिला है दोस्तों 2016 से ये बना है। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है दोस्तों 752 किलोमीटर स्क्वेयर। पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन है 1.5 लाख। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है 1.5 लाख। माजुली द्वीप,
ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्लियर? ओके। पॉपुलेशन 1.5 लाख, एरिया है 752 किलोमीटर स्क्वायर। 2016 में इसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिला बनाया गया, ठीक है। उससे पहले कौन से जिले में था? उससे पहले था जोरहट जिले में। ओके। इसके बाद है दोस्तों इसकी सहायक नदियां। चाइना से एक नदी निकलती है दोस्तों, जिसका नाम है लोहित नदी, लोहित रिवर। ठीक है। कहां से है इसका ओरिजिन? चाइना से है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इंडिया में एंटर कहां से करती है? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है लोहित नदी। ओके ओके। ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है कहां पर? पासी घाट नामक स्थान पर। लोहित नदी पासी घाट नाम की जगह, पासी घाट नामक स्थान असम में। कौन सी नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है दोस्तों। कौन सी नदी? लोहित नदी। लोहित नदी की लेंथ है 450 किलोमीटर। नॉट सो इंपॉर्टेंट। लोहित नदी की लंबाई कितनी है? लोहित नदी की लंबाई है 450 किलोमीटर दोस्तों। कहां पर मिलती है? पासी घाट असम में मिलती है। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है लोहित नदी दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछा जाए इंडिया में ऐसी कौन सी नदी है जिसको खूनी नदी बोला जाता है, ब्लडी रिवर, खूनी नदी, खूनी नदी, ब्लडी रिवर किसे बोला जाता है, तो आप लोग बताएंगे लोहित नदी को ब्लडी रिवर, खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसको खूनी नदी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये नदी है इस नदी में रेड सेडिमेंट्स पाए जाते हैं दोस्तों, लाल अवसाद पाए जाते हैं, रेड सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, और रेड सेडिमेंट्स के कारण, लाल अवसादों के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसीलिए इस नदी को क्या बोला जाता है? इसीलिए इस नदी को खूनी नदी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? खूनी नदी बोला जाता है। क्लियर? ओके। लोहित नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ दोस्तों, लोहित नदी के ऊपर असम में एक ब्रिज बना हुआ है, और उस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। ब्रिज का नाम क्या है? ब्रिज का नाम है दोस्तों भूपेन हजारिका ब्रिज। ओके। और ये ब्रिज सादिया असम को ढोला,
अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। यह ब्रिज सादिया असम को ढोला अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है, और दोनों के बीच में 165 किलोमीटर दूरी के रास्ते को बचाता है। दोस्तों कितने किलोमीटर दूरी के रास्ते को बचाता है? 165 किलोमीटर दूरी के रास्ते को बचाता है। ब्रिज की लेंथ कितनी है? ब्रिज की लेंथ है दोस्तों 9.15 किलोमीटर, और ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। ब्रिज की लेंथ कितनी है? भूपेन हजारिका ब्रिज की लेंथ है दोस्तों 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि सादिया असम को ढोला अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। सादिया असम को ढोला अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है दोस्तों। शादियों में ढोल तो बजता ही है। ओके ओके। और इन दोनों के बीच में 165 किलोमीटर दूरी के रास्ते को बचाता है, ठीक है। अगर इस ब्रिज का यूज ना किया जाए तो 165 किलोमीटर दूर और चलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब कितना चलना पड़ेगा? केवल इस ब्रिज के सहारे केवल 9.15 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। क्लियर? ओके। तो भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो कहां पर है? भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो कि असम में है। कौन सी रिवर, कौन सी नदी के ऊपर है? लोहित नदी के ऊपर है। क्लियर? कौन सी नदी के ऊपर है? लोहित नदी के ऊपर है। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसकी दूसरी नदी के बारे में, दूसरी सहायक नदी के बारे में, जिसका नाम है सुबानसिरी नदी। सुबानसिरी नदी, और सुबानसिरी नदी जो है वो भी चाइना से निकलती है दोस्तों। असम में एंटर करती है, और असम में एंटर करने के बाद कौन सी नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है दोस्तों। कौन सी नदी है ये? सुबानसिरी। सुबानसिरी की टोटल लेंथ कितनी है? सुबानसिरी की टोटल लेंथ है 442 किलोमीटर। लेंथ इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चाइना से निकलती है, चाइना के बाद अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, और असम में कहां पर? लखीमपुर। असम में कौन सी जगह पे? असम में लखीमपुर नाम की जगह पे कौन सी नदी में मिल जाती है दोस्तों? सुबानसिरी नदी में मिल जाती है। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चीन से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाती है, और असम में लखीमपुर, लखीमपुर में कौन सी नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है दोस्तों। क्लियर? ओके। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों धनसरी नदी की। धनसरी नदी, धनसरी नदी वो सुभानसिरी के बाद धनसरी। धनसरी नदी जो है ये लियासांग पहाड़ियों से निकलती है नागालैंड से दोस्तों, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। लियासांग हिल्स नागालैंड, लियासांग हिल्स नागालैंड से निकलती है और
असम में मिल जाती है कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। असम में मिल जाती है कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ है 355 किलोमीटर, किलोमीटर। तो कहां से निकलती है ये? निकलती है दोस्तों नागालैंड से। नागालैंड में कौन सी हिल है? लियासांग हिल्स, ठीक है। नागालैंड से निकलती है, नागालैंड से निकलने के बाद असम में कौन सी नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यहां से निकलती है और यहां पे मिल जाती है दोस्तों, असम में मिल जाती है। कौन सी नदी है? धनसरी रिवर। धनसरी पहली थी दोस्तों लोहित रिवर, दूसरी हमने पढ़ी है सुबानसरी रिवर, तीसरी हमने पढ़ी है दोस्तों धनसरी रिवर। धनसरी के बाद हम बात करेंगे दोस्तों तिस्ता रिवर की। तिस्ता, तिस्ता नदी दोस्तों। तिस्ता नदी जो है जेमू ग्लेशियर, असम सॉरी सिक्किम, जो तिस्ता रिवर है, तिस्ता नदी जो है जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है, और सिक्किम से निकलने के बाद ये कहां चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है दोस्तों। बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में कहां पे मिलती है? बांग्लादेश में जमुना में मिलती है या फिर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ठीक है। तो सिक्किम में बहती है, सिक्किम में बहने के बाद वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में कौन सी नदी में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है। ओके तो इस नदी को हम निकालेंगे यहां से, और यहां से निकालने के बाद यहां पे जेमू ग्लेशियर, ठीक है, जेमू ग्लेशियर, और यहां से निकलने के बाद वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में कौन सी नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, जिसको बांग्लादेश में बोला जाता है क्या? बांग्लादेश में बोला जाता है दोस्तों जमुना। ओके ओके अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत और बांग्लादेश को के बीच में कौन सी नदी को लेकर विवाद है, तो आप लोग बताएंगे भारत और बांग्लादेश में के बीच में विवाद है कौन सी नदी को लेकर, डिस्प्यूट है कौन सी रिवर को लेकर? तिस्ता रिवर को लेकर। क्लियर? बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद है इस नदी को लेकर। ओके तो तिस्ता रिवर के बाद हम बात करेंगे दोस्तों ब्राक रिवर की। ब्राक नदी की इधर ही लिख लेते हैं, ब्राक नदी। ब्राक नदी जो है, ब्राक नदी भी कहां से निकलती है? ब्राक नदी भी नागालैंड से निकलती है दोस्तों। जो हमारी लियासांग रिवर, लियासांग जो हिल्स हैं उनके बिल्कुल नीचे है जापोवा हिल्स, जापोआ की पहाड़ियां, और जापोआ हिल्स से निकलती है कौन सी रिवर, कौन सी नदी? ब्राक रिवर, ब्राक नदी। और नागालैंड के बाद, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद असम में चली जाती है कौन सी नदी? ब्राक नदी, ठीक है। और असम के बाद बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में मिलती है कहां पर? ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है ना। कौन सी नदी? ब्राक नदी। इसकी टोटल लेंथ है दोस्तों 900 किलोमीटर,
900 किलोमीटर। अगर आप लोगों से पूछा जाए ब्रह्मपुत्र रिवर की, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों ब्राक नदी। कहाँ कहाँ पे बहती है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में बहती है। ओके ओके ठीक इस नदी के ऊपर भी एक ब्रिज बना हुआ है दोस्तों, ब्राक नदी के ऊपर भी एक ब्रिज बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, बांध नहीं ब्रिज, और उस ब्रिज का नाम है दोस्तों बोगीबिल ब्रिज। ब्रिज का क्या नाम है? ब्रिज का नाम है बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज जो धीमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल इधर लिख देते हैं, बोगीबिल ब्रिज। ये कौन कौन सी जगह को आपस में जोड़ता है? दोनों जगह असम में ही है। धीमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है दोस्तों। ब्रिज की लंबाई, ब्रिज की लेंथ कितनी है? 4.94 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कौन सी नदी के ऊपर है? ब्राक रिवर, ब्राक नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है? ब्राक रिवर, ब्राक नदी के ऊपर है। कौन सा बांध? ब्रिज, सॉरी बांध नहीं ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? बोगीबिल ब्रिज है। क्लियर एवरीबॉडी? ओके क्लियर। तो ये थी दोस्तों इनकी सहायक नदियां, कौन सी नदी की सहायक नदियां? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं सारी की सारी थी, ठीक है ना? ओके तो मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और भारत में यांगयाप पास से एंटर करती है। यांगयाप के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, और असम में एक बहुत बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है? दिहांग रिवर बोला जाता है, और चाइना में इसको बोला जाता है सांगपो रिवर, ठीक है। टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, और इंडिया के अंदर इसकी टोटल लेंथ केवल कितनी है? 917 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सहायक नदी है दोस्तों, एक तो है हमने लोहित नदी पढ़ी है, एक सुबानश्री, एक धनश्री, एक बराक और एक तिस्ता रिवर, इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर? इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों तिस्ता, ठीक है। तिस्ता को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है, विवाद है, ठीक है। ओके और चांदपुर नामक स्थान बांग्लादेश में कहां पर मिल जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाती है, और क्या कौन सी फिर उसको क्या बोला जाता है? मेघना रिवर बोला जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती है? एक डेल्टा बनाती है दोस्तों, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमने गंगा जब पढ़ी थी तब पढ़ा था दोस्तों। क्लियर? तो ये थी दोस्तों आप लोगों की ब्रह्मपुत्रा। तो नॉर्थ इंडिया की सारी हमने इंपॉर्टेंट नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है सारी की सारी सहायक नदियां पढ़ ली है। इसके बाद हम साउथ की नदियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, साउथ की रिवर्स के बारे में बात करेंगे।